हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का अध्ययन करेंगे। व्याख्यान विधि प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि प्राचीन समय में आज के जैसे विद्यालय नहीं थे और विद्यालय आश्रम के रूप में होते थे, जहां गुरु अपने शिष्यों को इस विधि द्वारा शिक्षित करता था तथा इस विधि द्वारा ज्ञान देता था, जिसको कथन विधि के नाम से जाना जाता है। कथन विधि यानी मौखिक रूप से अपनी बात को स्पष्ट करना तथा मौखिक रूप से किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करना। व्याख्यान विधि तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली है विषय वस्तु का चयन, यानी ऐसी कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए जिसके चयन से हम अपने व्याख्यान विधि को स्पष्ट कर सके। फिर सेकंड है विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार। व्याख्यान पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिस पर विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार हो। और तीसरा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग, यानी उस जो विषय वस्तु चयन की है उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग कैसा है। तत्पश्चात है इसकी परिभाषा। परिभाषा में रिस्क के अनुसार, रिस्क ने कहा है व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझे। तथा दूसरा है बाइंडिंग एवं बाइंडिंग के अनुसार, यही एक व्यावहारिक विधि है जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसको वर्तमान समय में विस्तृत रूप में प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है, क्योंकि व्याख्यान विधि ही ऐसी विधि है जो व्याख्यान विधि ही एक ऐसी व्यावहारिक विधि है जो मुख्यतः बड़ी कक्षाओं में काम में ली जाती है, क्योंकि अगर छोटी कक्षाओं में काम में लेंगे तो विद्यार्थी से बोर हो जाते हैं और बोरियत महसूस करते हैं, क्योंकि छोटी कक्षाओं के जो विद्यार्थी है वह ज्यादा देर तक व्याख्यान को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए यह व्याख्यान विधि मुख्यतः उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब बात आती है व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाए। सबसे पहले इसका प्रयोग प्रेरणा प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए। फिर है दूसरा है विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर तीसरा है व्याख्यान अथवा स्पष्ट करने हेतु, यानी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर है समय की बचत करने हेतु। फिर है अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, क्योंकि व्याख्यान विधि व माध्यम है जिसके जरिए हम किसी और अतिरिक्त विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं, विद्यार्थियों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। और लास्ट है इसका कि भाई गृह कार्य देने हेतु, यानी जो व्याख्यान जो कक्षा में हमने पढ़ाया है उसको हम गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। आज कक्षा में जो मैंने पढ़ाया या जो मैंने मौखिक रूप से अभिव्यक्त किया, जो बोला उसको आप नोटबुक में नोट करके लाए। तत्पश्चात आते हैं इसके गुण। व्याख्यान विधि के क्या गुण हैं? सबसे पहले यह तर्क शक्ति का विकास करती है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड है यह व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है, व्याख्यान विधि व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है। तीसरा है यदि इसे शिक्षण कार्य करवाया जाए तो समय तथा परिश्रम दोनों की बचत होती है। चौथा है विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि किसी बात को अगर अपन बोल के समझेंगे या बोल के कहेंगे तो उच्चारण संबंधी जो भी अपनी अशुद्धियां है उसको हम उसी समय ठीक करने में सहायक हो सकते हैं। फिर है इससे विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर है व्याख्यान की विषय वस्तु को शिक्षक अपनी हाव भाव तथा आचरण द्वारा स्पष्ट कर सकता है कि जो जिस चीज के बारे में बताना है
या जिस चीज को स्पष्ट करना है उसको हम हाव भाव के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे अपना शिक्षण प्रभावी बन सकता है। तत्पश्चात है, इसके द्वारा कठिन एवं जटिल तथ्यों को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी जो कठिन और जटिल जो तथ्य है, जो प्रकरण है, जो विषय वस्तु है, उसको हम सरल तरीके से मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तत्पश्चात है इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी प्रश्नोत्तर द्वारा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि व्याख्यान करते समय शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से प्रश्न करते रहते हैं। इसलिए कहा है कि शिक्षक तथा शिक्षार्थी यानी पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों सक्रिय रहते हैं। इसके बाद आती है इसके दोष। अगर किसी चीज में गुण होते हैं तो उसके थोड़े बहुत दोष भी होते हैं। इसके दोष है, सबसे पहले इसका ज्ञान स्थायी न होकर अस्थायी होता है, क्योंकि बच्चे एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं, इसलिए इसका ज्ञान स्थायी न होकर अस्थायी है। दूसरा है, इससे शिक्षण नीरस बन जाता है, क्योंकि इसमें एक शिक्षक ही बोलता रहता है, विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए विद्यार्थी सुनते सुनते उस चीज को बोरियत महसूस करने लगते और उनके लिए यह नीरस बन जाता है। फिर है, मौखिक चिंतन के अवसर नहीं मिलते। इसमें विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि एक शिक्षक ही अपने भाव को अभिव्यक्त करता रहता है। इसके बाद है, इससे स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता है। जब एक शिक्षक ही बोलता जाएगा तो विद्यार्थी केवल मुख बधिर होकर सुनने का काम करेंगे, जिससे उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होगा। और उसके बाद है, इसके द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं लाता है। इसके द्वारा जो भी ज्ञान देते हैं वह स्थायी रूप से नहीं रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक कान से सुनते हैं तथा दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसलिए इनका ज्ञान अस्थायी रहता है। और लास्ट है अपना, इसका निम्न बौद्धिक स्तर है, पिछड़े हुए छात्रों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। धन्यवाद।